नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि खतियान के आधार पर जमाबंदी कायम कैसे करवाएं। तो दोस्तों इसी को जानेंगे, और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल व्यू मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये सवाल भड़बड़ के आ रहे थे कमेंट्स बॉक्स में, बहुत सारा कमेंट्स इस पर आया, तो मैंने उचित समझा कि इस पर वीडियो बनाया जाए। और खतियान के ऊपर तो ऑलरेडी मेरा बहुत सारा वीडियो बन चुका है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। अब दोस्तों ये जो सवाल है, खतियान के आधार पर जमाबंदी कायम कैसे करवाएं, तो इस वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखिएगा तब समझ पाएंगे। दोस्तों यदि आपके पास खतियान है और उस जमीन पर आपका दखल कब्जा है, तो सर्वप्रथम आपका यह काम होगा कि आप उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से मिले, जिस मौजा का वह जमीन है उस मौजा के राजस्व कर्मचारी से मिले, और आपके खतियान में जो विवरण दिया गया है जैसे कि खाता नंबर, खेसरा नंबर, इन सब के साथ आप ये देखें कि रजिस्टर 2 में उस विवरण से मैच करता हुआ कोई जमीन भी है, किन्हीं का जमीन भी है। यदि मैच करता हुआ मिलता है तो वह कितना का है, खतियान में जितना जमीन दिया गया है उतना का है कि उससे कम का है, ये पहले पता करें। यदि मान लीजिए उतना का मिल जाएगा तब तो आपको ये समझना है कि उस जमीन का खतियान बिक चुका है और वह जमीन का जमाबंदी मेरे नाम से कायम नहीं हो सकता, एक तो ये। दूसरा, यदि मान लीजिए कि उससे कम, जितना खतियान में दिया गया है रकबा उससे कम का जमाबंदी मिलता है, तो उसमें आप और भी देखें। यदि फिर भी उतना ही है, कम ही है, तो समझिए कि उस जमीन को, मतलब उस खतियान से उतना रकबा बेचा जा चुका है या किसी न किसी रूप में दिया गया है जिनका नाम जमाबंदी में शो कर रहा है, तो ये देखना है, ठीक है। शेष बचे हुए के लिए, या फिर मान लीजिए कि जमाबंदी उस तरह का मैच ही नहीं किया, मतलब जो विवरण आपके खतियान में दिया गया है खाता खेसरा नंबर उसके अनुसार से किसी का कोई जमाबंदी उसमें नहीं है, किसी का कोई रकबा है ही नहीं उस टाइप से, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में आपका खतियान का जमीन सुरक्षित होगा, बेचा नहीं गया होगा और वह जमीन आपके दखल कब्जा में है, तब जो है आप अंचलाधिकारी महोदय को आवेदन दें कि यह खतियानी जमीन मेरा है, इसका लगान रसीद मेरे पास नहीं है, इसका जमाबंदी कायम किया जाए क्योंकि इस जमीन पर मेरा ही दखल कब्जा भी है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि इसकी भौतिक, इसका जो है भौतिक सत्यापन किया जाए और आप अपने अनुसार जांच पड़ताल करके इसका जमाबंदी कायम किया जाए, ठीक है। तो वे अपने अनुसार जांच पड़ताल करेंगे, यदि वो सक्षम नहीं हो पाते हैं अंचलाधिकारी महोदय इस कार्य को करने में, तब जाकर फिर आप DCLR को इसी प्रकार का आवेदन देंगे, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में वे अपने अनुसार जांच पड़ताल करेंगे, सही से जांच पड़ताल करने के बाद यदि उस विवरण के साथ, खतियान में जो विवरण दिया गया है उस विवरण के साथ रजिस्टर 2 में किसी का भी, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, किसी का भी रकबा नहीं है, किसी का भी वो विवरण मैच नहीं करता, तब ऐसे परिस्थिति में उस जमीन पर क्या किनका दखल कब्जा है ये भी वे जांच करेंगे। आपके अलावा किन्हीं का भी नहीं होगा तब वे आपको आदेश दे सकते हैं, मतलब वे आदेश करेंगे अंचलाधिकारी महोदय को और फिर अंचलाधिकारी राजस्व कर्मचारी को आदेश देंगे तो जमाबंदी कायम हो सकता है। लेकिन आपको इन प्रोसेस पे अच्छी तरह लगना होगा,
लगे रहना पड़ेगा, इसमें समय लग सकता है, तो आपका काम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।